क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि Realme C20 में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें? क्या आप भी जानना चाहते हैं Realme के स्मार्टफोन यानी कि C20 में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से Realme के C20 स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीधा जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले आपको अपना गूगल डायलर अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइनिंग बीटा जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिव लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद जब ऐसे ही आप बाहर निकलेंगे, इस एप्लीकेशन के आपको अंदर जाना है। यहाँ पे जैसे आप अंदर जाएंगे तो कुछ सेटिंग करनी होती हैं। सेटिंग क्या है, आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ आपको नहीं मिला है तो नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे सेटिंग क्या करनी है, नंबर फर्स्ट डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट रिकॉर्डिंग यहाँ पे नेवर हमने कर रखा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम 7 दिन 14 दिन 30 दिन कर देंगे तो ये उसी दिन के हिसाब से सारी डिलीट हो जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 13 डेज, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ये हमें नहीं करनी है। अगर आप सभी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ सीधा डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है नंबर नॉट इज योर कॉन्टैक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट में नंबर होंगे उसके अलावा और भी कोई कॉल आएगी, ठीक है, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक होने लगेगी, ठीक है। अब सिलेक्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सभी नंबर पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे चॉइस से कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर से आप कॉल रिकॉर्डिंग करना कर सकते हैं। जैसे कोई एक नंबर आप चूज करना चाहते हैं, मैं उससे से ही करना करूँगा, उसी नंबर पे करूँगा, ठीक है। तो आप चॉइस से नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई ना कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि अभिनव है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस नंबर पर ही हम कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और पे होगी लेकिन इस पे बहुत जरूरी होगी, ठीक है, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो ये तरीका इस तरीके से है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हमने सारी चीज़ बताई दी है, ठीक है। अब आप जब कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आपको कॉल लगानी है, ठीक है, तो हम दिखा देते हैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिकॉर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक लगा चुके हैं तो ऑटोमेटिक होना लगेगी, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी स्टॉप रिकॉर्डिंग का इस तरीके से आ जाएगा, रिकॉर्ड होने लगेगी, आप इस पर क्लिक करके इसे स्टॉप भी कर लेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब दोस्तों आप जानना चाहते हैं विदाउट अनाउंसमेंट के कैसे कॉल रिकॉर्डिंग करें, दोनों साइड से अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो इसी चैनल पे डाल चुका हूँ, वो आपको देख लेनी होगी, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने नजर आ जाएंगे। जो फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन आपके सामने शो होगी, ये बेस्ट एप्लीकेशन है जिसमें हमने इसका रिव्यू भी दे दिया है, ठीक है, आपको देख लेनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, आप कहेंगे एक साइड से आती है एक साइड से नहीं आती है, तो उसके लिए ये भी एप्लीकेशन मैं कई बार यूज़ करता हूँ दूसरे स्मार्टफोन में, ट्रू फोन डायलर, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्ले स्टोर किसका है, प्ले स्टोर है गूगल का, ठीक है, ये किसका है ऐप, ये गूगल डायलर किसका है, ये गूगल का है। तो आप स्वाभाविक है आपको पता होना चाहिए जिसका घर हो उसी के घर में आप इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए गूगल ने जितने भी ऐप डाले हैं प्ले स्टोर पे
वो वर्क करते हैं लेकिन उतने नहीं करते हैं जितना ये एप्लीकेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर आपको बता चुका हूँ, अब आप नए स्मार्टफोन में विदाउट अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप फालतू में समय बर्बाद करते रहिए। यूट्यूब पर केवल लोग फेक वीडियो बना देते हैं इसकी और आप उसमें समय वेस्ट कर देते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे ही कोई सॉल्यूशन आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।